ओए मुन्ना रेडी है ना तो? हे भैया मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ यार। ए चलो यार। ओए मुन्ना पप्पू सुपारी ने बताया था कि ओए कोई रईस आदमी है, उसके पास बहुत ही सारी लग्जरी कार है। अरे भैया और वो गया है कहीं अपने विलेज टाउन में घूमने के लिए, इसलिए आज उसके घर में सिक्योरिटी कम है, तो यही मौका हम उसकी गाड़ी चुरा सकते हैं। वैसे दोस्तों आप ये मत सोचना कि हम चोरी कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुरा पॉलिटिशियन है, उसने बहुत ही ज्यादा लोगों के पैसे घपले करे और वो खुद अमीर बन गया। ओए सही कह रहा है मुन्ना, उसने लॉस एंटोस की सड़कें नहीं बनवाई, गधेड़े ने सिर्फ गाड़ियां खरीदी, वो भी लग्जरी कार, आज उसकी गाड़ी अंटाएंगे। भैया सही कहा यार। भैया वैसे वो गाड़ियाँ कितने की होंगी? ओए मुन्ना इतने की हम खुद का बहुत ही बड़ा घर बना सकते हैं। भैया चलो ठीक है, वैसे गाड़ी उठाने के लिए ट्रक की जरूरत पड़ेगी। ओए पप्पू सुपारी ने ट्रक भी भेज दिया, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अरे यार क्या बात है भैया, वाह बहुत ही बढ़िया ट्रक आ गया भैया, इसको मैं चलाऊंगा भैया। ओए ठीक है तो ट्रक को चला, मैं प्लान को एक्सिक्यूट करूंगा। ओए घर के अंदर मैं ही जाऊंगा मुन्ना। ओए वहाँ पे छोटे मोटे कुछ गार्ड होंगे, उनको तो मैं टीयर गैस से ठिकाने लगा दूंगा। ए भैया तुम्हारे पास टीयर गैस भी आ गया क्या? ओए गधेड़े कहेंगे पप्पू सुपारी भाई ने दिया है, टेंशन वाली बात ही नहीं, बस तू गाड़ी को लेकर आराम से चल। ए भैया मैं निकला गड्डी लेके, ए चोरी करने वैसे तो मजा ही नहीं है। अरे बाप रे क्या भैया यही मेंशन है क्या? ओए यही मेंशन है, लेकिन ये क्या, इधर तो पार्टियां हो रही हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पार्टी में थोड़ी जाना है। अरे यार भैया ये वाला गेट है ना? ओए सही का थोड़ा आगे करके लगा, ताकि मैं इन गार्डों को ठिकाने लगा सकूं। ए भैया चलो ठीक है, उनको शक ना हो। चलो यहाँ पर आगे मैंने पार कर दिया है। हाँ भैया जाओ अब तुम्हारा टाइम आ गया। ओए अपना टाइम अभी आएगा, अब मैं जाता हूँ मुन्ना, देख मैं कैसे खिलाड़ी बन के दिखाता हूँ। हे भैया जल्दी जाओगे या फालतू की बातें करते रहोगे बस? ओए चल अब जैन है, ये मैं अपनी उंगलियां पुटका रहा था और चटका रहा था, चल फटाफट से टीयर गैस तो निकाल लो। ओए ये निकाला मैंने। हे भैया कितना ड्रामा करते हो यार, जल्दी जाओगे यार, मेकअप भी करोगे क्या आप? ओए क्या बात कर रहा है, मेकअप तो मैं नहीं करता हूँ, चल फटाफट से मैं जाता हूँ। हे भैया टीयर गैस लेके जा रहा, फेंकना आता है ना? अबे कैसी बात कर रहा है? अरे यार भैया उल्टा छुपक रहे, अबे वो तो देख लेंगे ऐसे। ओए ये बात तो तूने सही कही, लेकिन रात के अंधेरे में इतना नहीं दिखेगा कि कौन था, अभी मैं इनको बेहोश करता हूँ। ये ले एक तो टीयर गैस फेंक दिया, अरे बाप रे इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अरे फाइनली टीयर गैस ने अपना कमाल दिखा दिया, अभी दूसरा भी फेंकूंगा। ये ले भैया लगता है उनकी आंखों में ब्लाइंडनेस आ गई है। ओए सही कहा, अब ये नल्ले बेहोश हो चुके हैं लगता है, लेकिन बेहोश होके खड़े क्यों हैं अभी भी? अरे भैया उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा, यही मौका अंदर चले आओ। ओए इनकी बैंड बज रही है, अच्छा वह अबे और फेंकता हो, अरे कितने ज्यादा पहलवान हैं। ओए ये लो टीयर गैस, अरे ये कौन कर रहा है हमारे पर गैस फेंके जा रहा है, रात के अंधेरे में दिख भी नहीं रहा। अरे फाइनली भैया काम तो तुमने कर दिया। ओए इन दोनों को तो मैंने ठिकाने लगा दिया है, अबे खोल जा सिम सिम, ये दरवाजा ऑटोमेटिक है, देखा ना मुन्ना? हे भैया आराम से जाना। ओए अंदर भी एक आध गार्ड हो सकता है, तो उसको भी मैं ऐसे ठिकाने लगाने वाला हूँ। ओए आज तो वो गया है टाउन में, नहीं तो यहाँ पे तो फुल सिक्योरिटी होती है उसकी वजह से, क्योंकि वो VIP है ना इसीलिए। लेकिन उसकी गाड़ी चुराने का मकसद अपना बहुत ही बढ़िया है, आज तो उसकी गाड़ी बचेंगे नहीं। अरे बाप रे ये क्या, अभी फेंकता हूँ यहाँ से, यहाँ से फेंकूंगा, निशाना नहीं लग रहा था, इधर से निशाना लगेगा। अबे ये ले इसको तो गैस का कुछ हो ही नहीं रहा है, लगता है बहुत ज्यादा बीड़ी पीता है। ओए दूर वाले को मारता हूँ, ये लो फाइनली गैस का कमाल हो चुका है, अब इनकी बैंड मैं बचाऊंगा। ये लो इनकी आंखों में मैंने आप ब्लाइंडनेस डाल दिया है, अब तो ये गए। अरे ये कौन धुआं फेंक रहा है, मुझे दिख नहीं रहा कुछ भी, अरे कौन है यहाँ पे? ओए पापा जी है तुम्हारे, आ गए, और स्वागत नहीं करोगे हमारा? कौन है, कहाँ पर है, मुझे दिख नहीं रहा। ओए फाइनली ये सारे तो सारे गए। ओ तेरी भैंस की डांट, इतनी मस्त मस्त सुपर गाड़ी, वो इनके तो मैं बहुत सारे पैसे मिलेंगे, पप्पू सुपारी भाई तो जो है माला माल कर देंगे। ओए जरा मैं देखूँ यहाँ पार्टी में चल क्या रहा आखिरकार, ये अमीर लोग हमेशा ऐसी पार्टी करते रहते हैं जब देखो। ओए हम तो खाली बर्थडे पार्टी करते हैं, ये तो हमेशा नाइट पार्टी करते रहते हैं, बाप रे इनको पार्टी करने दो, इनकी गड्डियाँ तो मैं गायब करूँगा, आ मजा आ जाएगा। ए भैया जल्दी आओ ना। ओए मुन्ना बस बस आ रहा हूँ मैं। ओए जल्दी तो ट्रक को अंदर लेके आएगा। ए भैया बस मैं आ रहा, तुम भी आओ ना इधर। ए गार्ड है भैया इधर। ओए ये पैस के डाट, ये ले चपड़गंजो, ये ले
अबे तेरे ये ले, अभी बेहोश हुआ ये तो। हाँ मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया था, ये तो यहाँ कोने में खड़ा था। अबे खुल जा सेम सेम, ये दरवाजा के क्या है खुलता नहीं। हे भैया, और ये क्या, रिपोर्टर आ गए यहाँ पे। अबे ये लो वीआईपी घर के आगे हमेशा रिपोर्टर पहुंच जाते हैं। अबे फोटो निकालेगा, ये ले फोटो तो मैंने इन दोनों की निकाल दिया है। ओए अच्छे से मुक्का मारा, दोनों के दोनों बेहोश हो गए। हे भैया चलो काम हो गया ना, अब अंदर ले सकते हैं ट्रक। ओए चल फटाफट से ट्रक को अंदर ले चलना है ताकि हम गाड़ी को लोड कर सके ट्रक पे। ए भैया वैसे देखा जाए तुम रातों रात अमीर बनने वाले। ओए सही का, ये डे नाइट वर्क था, वैसे संभल के क्या कर रहा गधेड़े। अरे यार भैया ये दरवाजा कैसा यार, बहुत ही स्लो खुलता है। हे भैया जल्दी गाड़ी को लोड कर दो ट्रक में। ओए पहले तू सही से ट्रक लगा। ओए मैं चुटकी बजाते लोड करता है इसे। हे भैया ठीक है। ओए ये देख फटाफट से लोड हो जाएगा। ये भैया ट्रक लग चुका है, चलो लोडिंग कर दो। ए क्या बात है भैया, इतनी मस्त मस्त गाड़ियाँ। ओए चल लोड हो गई है, फटाफट से निकलते मुन्ना, इससे पहले यहाँ के पुलिस को पता चल जाए। अरे भैया किसी को नहीं पता चलेगा, जब तक वो गार्ड उठेंगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ हुआ क्या था। ओए सहका, एक तो यहाँ पे लाइट भी नहीं लगी है, तो किसी ने हमारा चेहरा भी नहीं देखा। ओए कैमरे में क्या दिखेगा। ए भैया सहका, अभी अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे रॉबरी भी हुई थी। ये भैया निकलते भी फटाफट। ओए संभल के मुन्ना। ए भैया ये चल दिया। ओए सीधा पप्पू सुपारी के अड्डे पे ले चल। हे भैया बाप रे, क्या ट्रक में पेट्रोल कम दिखा रहा है। ओए तो जल्दी से पेट्रोल भरा ले, ये रहा पेट्रोल टंक। हे भैया टंक नहीं है वो, पेट्रोल आ गया यार, पेट्रोल पंप बोलते उसको, टंक नहीं। ओए वही वही पीछे वाले पे लगाना, कहाँ लगा रहा है, ये ट्रक वाला फ्यूल इसमें से भरा जाता है। ये भैया ठीक है। ए यार इसमें फ्यूल भर रहा है। ओए ऑटोमेटिक है, फ्यूल ऐड हो चुका है। चल मुन्ना इतना बहुत है, अबे अपना ट्रक नहीं है, ज्यादा फ्यूल मत भर। हे भैया ठीक है, इतना बहुत है ना। ओए सहका, पप्पू सुपारी के मेंशन पे जाने के लिए इतना बहुत है, फटाफट से। हे भैया उनका मेंशन ही वो तो अड्डा है ना। ओए सहका, आज तो माला माल बनने वाले है मुन्ना, इतना सारा कैश मिलेगा तूने सोचा भी नहीं होगा। ए भैया क्या मस्त डील मिली यार आज हमें तो, वो भी ज्यादा मुश्किल है रॉबरी करने में। ओए सहका मुन्ना, ये आ गया पप्पू सुपारी का अड्डा, भैया ऐसे घुमा ले। अरे भैया इधर से ट्रक घुसेगा नहीं, मुझे थोड़ा पीछे करके बैक करना पड़ेगा। कौन हो तुम लोग। ओए मैं पप्पू सुपारी के लिए गाड़ी का लेकर आया हूँ। ओए जल्दी लेकर आओ, तुम्हारे ही वेट कर रहे हैं पप्पू सुपारी जब से। ओए ठीक है आगे से तो हट जा गधे, नहीं तो उड़ जाएगा ट्रक से। अबे तू लेके जाना, मेरी टेंशन क्यों लेता है। ओए ठीक है चल निकालता हूँ यहाँ से, मुन्ना आराम से चला। ए भैया अरे बाप रे, क्या हुआ, ये क्या ट्रक कहीं अटक गया। अबे क्या कर रहा है, अबे ये क्या कर दिया तूने। अरे यार रुको भैया, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया। अबे क्या कर रहे हो, दरवाजा तोड़ोगे क्या। ओए फाइनली निकल गए, चल फटाफट से। ओए मुन्ना यहाँ पे पहले तो फालतू मत बोलियो। ओए बात आराम से करियो। हे भैया मुझे मत सिखाओ यार। चलो यार फटाफट से। हे पप्पू सुपारी बॉस गो डाउ, गुड नाइट। वैसे गुड नाइट हो रहा ना। हाँ बोलो त्या ले तलायो मेरे लिए, मैं तुम लोगों का तब ते इंतजार तल्ला था। अरे बाप रे ये क्या, पप्पू सुपारी ये कैसे बोलने भैया। ओए मुन्ना ध्यान से सुन ले। अले अले ये बताओ, ये गालियाँ तब ते थी कंदी तल में ना। अरे हाँ सब ठीक ही है, वैसे बोला क्या मुझे समझ नहीं आया। ओए मुन्ना चुप रहे। ओए पप्पू सुपारी मैं ये पूछना चाहता हूँ, कैश रेडी है ना हमारा। अले तैत तो तुम्हारे लिए लेती नहीं है, लेकिन तुम ये दलख ले जा सकते हो। ओए ये क्या बात कर रहा है, हमें ड्रग्स नहीं चाहिए, तो फिर उसके लिए तुम्हें अकाउंट में, मैं तुम्हारे अकाउंट में तुबे तलान पल तल दूंगा। अरे बाप रे मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये पप्पू सुपारी बोल क्या रहे भैया। ओए मुन्ना चुप रहे, वो बोल रहा है कि सुबह हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और तुम लोग यहाँ पे ये तलक को तोल दो और मेरे पीते एक पलाली उसको ले चल दो। अरे क्या भैया इसने क्या बोला, ट्रक को छोड़ने के लिए। ओ लेकिन पलाली क्या होता है यार। ओए फरारी बोल रहा हूँ, पीछे उसकी पुरानी फरारी, उससे मुझे घर जाना पड़ेगा। ए भैया ठीक है यार। ए यार वैसे भी हम जाएंगे कैसे, ट्रक से आए थे। ओए सही कहा मुन्ना, लेकिन देख रहा है ना इसने बोला है पप्पू सुपारी, वैसे धोखेबाज नहीं, टेंशन मत ले। ए भैया चीटिंग तो नहीं करेगा ने। ओए नहीं करेगा मुन्ना, ओए ये अपने काम का बहुत ही पक्का है, और ये सुबह अब तेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। ए भैया ठीक है, वैसे कितने पैसे ट्रांसफर करेगा। ओए वो तो मुझे नहीं पता,
लेकिन वो तो गाड़ी की कीमत के ऊपर है ना, वो हमें पता नहीं था, आइडिया नहीं कितने की थी। और जब वो ऑक्शन होगी मुन्ना, तो सुबह उसका जो भी पैसा मिलेगा ना, उसका 50% कमीशन हमारे अकाउंट में, मतलब कि तेरे अकाउंट में आ जाएगा। हे भैया ठीक है। और बॉब और सिंचन को तो पता ही नहीं आखिर का नहीं चल क्या रहा है। और ऐसा है कहा, उन दोनों को सोने दे मुन्ना, टेंशन ही क्या है, कल सुबह पता चलेगा। हे भैया जैसे ही अपने अकाउंट में पैसे आएंगे, मेरे पास एक आइडिया है। ओए कौन सा आइडिया? ए भैया मैं वर्कर को बुलाता हूँ, लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा बिल्डर, जो कि हमारे लिए मेंशन बनाएगा। ओए ठीक है, ये बात तो तूने सही कही, क्योंकि सुबह ही तेरे अकाउंट में सारे पैसे आ जाएंगे मुन्ना। ए भैया सही कहा, फिर हम बनवाएंगे अपना बहुत ही बड़ा मेंशन, ओए वो भी समुद्र के किनारे, सही ना? ए भैया सही कहा, बीच साइड पे। ए और भैया सिंचन और बॉब भैया तो सरप्राइज होने वाले। ओए सही कहा, ओए सुबह तो मजे आ जाएगा मुन्ना। ओए मैंने बहुत सारा प्लान कर रखा कि मेंशन कैसे कैसे बनवाना है। ए भैया ठीक है, अभी फिलहाल तो सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग। ए दोस्तों सुबह हो चुकी है और इसी के साथ गुड मॉर्निंग। और ये क्या भैया? ओए मुन्ना मैं तेरा इंतजार कर रहा, तू कब से उठेगा? ए भैया चलो मैं उठ गया। ओए सिंचन और बॉब तो पागल हो रखे। ए भैया ये देखो अकाउंट में पैसे आ गए भैया। अरे बाप रे, क्या 100 करोड़? ओए क्या बात कर रहा है, इतने पैसे आ गए? अरे यार भैया वैसे तो मुझे लग रहा था 10 करोड़ आएंगे, लेकिन ये तो 100 करोड़ आ गए। अरे बाप रे, लगता है पप्पू सुपारी ने गलती से भेज दिया क्या, वो गाड़ी इतनी कीमती क्यों थी? अरे भैया लगता है उस गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ होगा ऐसा जो कि उसे चाहिए था, गाड़ी की वैल्यू तो 10 करोड़ थी बस। ओए सही कहा, बाप रे लगता है उसके अंदर हीरा होगा या तो ड्रग्स वगैरह रखा होगा मुन्ना, जो कि पप्पू सुपारी ने हमें नहीं बताया। ए भैया हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? और ये क्या? अरे यार योगी भैया ये देखो, ये लोग कौन आ गए? अरे यार सिंचन, ये लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा बिल्डर है। हाँ सर जी, आपने हमें बुलाया था, हम आ गए हैं। अरे यार हमें एक बहुत ही बढ़िया मेंशन चाहिए। अरे योगी भैया क्या बात कर रहे हो, हम मेंशन कहाँ से बनवा पाएंगे? ओके सर, आपको उसके लिए हमें एडवांस पे करना पड़ेगा 10 करोड़। अरे बाप रे 10 करोड़ एडवांस, थोड़ा कम नहीं चलेगा क्या? अच्छा ठीक है सर, आपके लिए 5 करोड़ यार एडवांस हमें देना पड़ेगा, ताकि हम काम स्टार्ट कर सके। अरे यार ठीक है, अभी मैं तुम्हारे अकाउंट में डालता हूँ। ये क्या भैया? ओए क्या आ गया मुन्ना? अरे यार भैया अकाउंट फ्रीज हो गया, बैलेंस में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। ओए आखिरकार ये कैसे हो गया? हे भैया रुको, मैं अभी बैंक मैनेजर से बात करता हूँ, उसका नंबर मैंने डायरी में लिखा था अंदर। ओए जल्दी जा, आखिरकार ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। सर क्या हुआ? अरे यार रुको, अभी मैं आता हूँ बैंक मैनेजर से बात करके। ए यार ये क्या गड़बड़ है, ये क्या? अरे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे जब से। अरे मेरा इंतजार किस लिए कर रहे थे, और तुम दोनों मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? यहाँ कोई टेररिस्ट आ गया क्या? हमें लॉस सैंटोस के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा है तुम्हें उठाने के लिए। अरे मैं बच्चा हूँ क्या, मुझे तो गोदी में उठाओगे? अरे ते हमारा मतलब कि तुम्हें हमें अरेस्ट करना होगा। अरे बाप रे क्या भैया? ओए क्या हो गया मुन्ना? ए भैया ये तो पुलिस अंदर है, मुझे अरेस्ट करना चाहती है। ओए क्या बात कर रहा है, बाप रे बाप ये क्या हो गया? ए भैया लगता है मुझे भागना पड़ेगा। ये क्या, ये मेरे पीछे क्यों लगे पड़े है? अरे कहाँ भागेगा, मैं पता था कि तू भागने की कोशिश करेगा, हमने रास्ता इसलिए ब्लॉक करके रखा है। अरे बाप रे उधर भी शॉट, बाप रे ये क्या, मैं तो बहुत ही लंबा फंस चुका हूँ, चलो उस साइड से भाग जाता हूँ यार। ए वैसे इन लोगों को पता कैसे चल गया? शायद से यार इन लोगों को मेरे बैंक में इतना सारा बैलेंस एक बार में आया होगा, तो इनको पता चल गया कि ये बैलेंस आया कहाँ से। हे अरे यार इधर से भी बंद कर रखा, अब क्या करूँ मैं? अब तो मैं कहीं भाग भी नहीं सकता भैया। ये आए मुन्ना, पुलिस तेरे पीछे लगी खाली। तुम्हारे अकाउंट में इतने सारे पैसे कैसे आए? अगर तुम ये हमें बता देते हो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन हमें फिर भी तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर तुमसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। अरे यार क्वेश्चन आंसर पूछना है तो मैं ट्यूशन टीचर हूँ, अभी पूछ लो मैं जवाब दे दूंगा। अबे गधेड़े ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछने भाई, तूने इतने सारे पैसे आखिरकार कहाँ से आए और ये तेरे अकाउंट में क्यों आए, तो इसका मैं बहुत सारा तुझे जवाब देना है, इसलिए मैं तुझे अरेस्ट करना पड़ेगा। अरे यार भैया ये क्या, मैं तो बहुत ही लंबा फंस गया। ओए मुन्ना टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ करके मैं तुझे छुड़ा लूंगा। अरे यार भैया मेरे अकाउंट में सारे पैसे आए तो मैं ही फंस गया यार। भैया हमारे पास जो कल रात वाली गाड़ी थी ना, उसे भेज के फटाफट से अपना मेंशन का काम स्टार्ट करवा दो, और इन बिल्डर को एडवांस भी दे देना।
ओए मुंडा ठीक है? ए यार ये काम है आ गया। ओए ओए इधर देख इधर देख सामने देख। अरे बाप रे ये क्या इतने सामने ऑफिसर भी हैं? ये क्या संडास भी रखा है? ये संडास इधर इतना गंदा। वैसे यार इधर वॉल वगैरह नहीं है, मैं तो जा सकता कहीं भी। अरे ये क्या? अबे गधे ये हाई टेक्नोलॉजी से बनी वॉल है जो कि मिरर की है, इसके आर पार तू कभी नहीं जा सकता। और हमें तेरे से पूछताछ करनी, अगर तूने हमें कुछ भी नहीं बताया तो हम तेरा इनकाउंटर कर देंगे। अरे बाप रे क्या सीधा इनकाउंटर कर देंगे? मैं क्या टेररिस्ट हूँ क्या इनकाउंटर कर दोगे? अच्छा यार तू चुप रहे कितना बोलता है, ये बता कि तूने कहाँ पर मतलब कि कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आए? तूने कौन सा काला ब्लैक मनी ट्रांसफर करा अपने अकाउंट में? अगर तूने ये हमें बता दिया ये किसका पैसा है तो हम तुझे जाने देंगे। अरे बाप रे क्या मुझे गोली मार दी बोलने से पहले? अबे यार ये क्या नल्ले पुलिस, तुमको मैंने ऑर्डर दिया क्या शूट करने का? अगर तूने बता दिया तो हम तुम्हें जाने देंगे। अरे क्या बताऊं मैं, ये पैसे तो सब। हाँ बोल बोल क्या बोलना चाहता है, जल्दी बोल। अगर तेरा मन बदलता है बताने का तो मैं अपने ऑफिस में तेरा वेट कर रहा हूँ, अगर तू और बता देगा तो हम तुझे जाने देंगे। अरे क्या बताऊं यार। हे दोस्त वैसे मैं क्या बता सकता हूँ यार, ये तो वैसे इलीगल पैसे हुआ क्योंकि हमने गाड़ी बेचकर पैसे करे थे, इसलिए मैं इनको बता नहीं सकता। लेकिन मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना है। अरे ये क्या पीछे तो गैस टंकी है और इसके अंदर ये क्या रखा है? ये तो पिस्टल है लगता है मुझे, कोई गन रखी है लगता है भैया ने मेरे लिए गन भिजवा दी है यहाँ से भागने के लिए। तो दोस्तों मुझे अब यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे एक बढ़िया सी गन मिल सके यार भागने के लिए। ए जैसे ही आप लोग ये चीज कर दोगे तो मुझे गन मिल जाएगी, फिर मैं यहाँ से भाग पाऊंगा दोस्तों। ए फिर मैं सारे ए जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में करना। और ये आपका टास्क है, और यहाँ पे फाइनली आपने टास्क कंप्लीट करा, मेरे पास आ चुकी गन, अब मैं इसको डिस्ट्रॉय करूंगा। और ये वाला उड़ा दिया तो सारे जाएंगे। फाइनली दोस्तों मैंने मिरर वॉल को तो तोड़ दिया है, अब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, भागना पड़ेगा। अरे बाप रे लॉस सैंटोस की पूरी पुलिस मेरे पीछे लगने वाली है क्योंकि मैं ऑलरेडी जेल के अंदर हूँ, वो भी लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी जेल। भागो जल्दी से इससे पहले, अरे बाप रे चौपर वगैरह भी आ गए क्या? मुझे निकलना पड़ेगा, एक एक को जो भी मेरे रास्ते में आएगा किसी को नहीं छोड़ूंगा। इधर से जाना वैसे सेफ नहीं है, तो पूरा ग्राउंड है। ये कौन आ गया? अरे बाप रे मुझे गोली मारता, ये ले। तुझे पता है मैं कौन हूँ? भागना पड़ेगा फटाफट से, मुझे एग्जिट ढूंढना यार। एग्जिट डोर है कहाँ? यहाँ वैसे फेंस में हर जगह वायरिंग में मतलब कि फेंस में सारे करंट लगे हुए हैं, तो मैं फेंस को डायरेक्ट टच नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे भी करंट लग जाएगा। इसका मेन डोर मुझे ढूंढना है फटाफट से यार। अरे बाप रे हेलीकॉप्टर मेरे पीछे लग गए, तो मुझे यार थोड़ा सा कहीं छुपना पड़ेगा। ए क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, पहले तो इन्हें मारता हूँ। भाग यहाँ से। ए अभी पुलिस को यहाँ आने में टाइम लगेगा क्योंकि यार इधर इतनी पुलिस अंदर नहीं रहती। अबे कमांडो ऊपर जा रहा है, ये कमांडो आ चुके, फटाफट से मुझे निकलना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ जीने के ऊपर चले आता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखेगा भी कि आखिरकार कमांडो है कहाँ पर, फिर मैं उनको मार सकूँगा। यहाँ से चलता हूँ। ए यार मुझे कैसे भी करके निकलना पड़ेगा दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत यहाँ से भागने के लिए, तो आप लोगों का मुझे बहुत सारा लाइक चाहिए। वीडियो को जल्दी से लाइक करो यार ताकि मुझे पावर मिल सके भागने की। और ये क्या, अरे बाप रे यार किसी ने लाइक नहीं किया, धड़ाम से गिर गया, देखा ना दोस्तों, जल्दी से लाइक करो यार। अब ये सही से मैं मेन डोर पे आ गया। हाँ ये मेन डोर है, यहाँ यार पुलिस वालों ने ब्लॉक कर रखा है। अरे बाप रे पीछे से भी आ गए, ये लो किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मेरे को वैसे भागने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है यार, लेकिन मैं स्केप कर लूंगा, इतना भी मुश्किल नहीं यार। मैंने गेम तो खेल रखी स्केप वाली बहुत ज्यादा, तो मैं कर लूंगा। अब मुझे मेन डोर पे मैं आ गया, मुझे यहाँ पे थोड़ा छुपना चाहिए। अरे बाप रे कमांडो तो इधर ही है, इसको पहले हटाओ यहाँ से, चल फुट यहाँ से, बट्टे से हेडशॉट ले। और यहाँ पे सारे के सारे कमांडो लगता है गए, लेकिन और भी आते होंगे, मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। अरे बाप रे उधर से घेर रखा है, ये गाड़ी ठीक मुझे मिल गई, सीधा बैक करके भेड़ दी मैंने। ये ले। अबे ये पिस्टल से मारेगा मुझे, मेरे पास तो AK-47 है। फाइनली इस वाली गड्डी से मैं निकल सकता हूँ, इससे पहले और भी ज्यादा लॉस सैंटोस की पूरी
आर्मी पुलिस यहाँ पे आ जाए इस हेलीकॉप्टर का मैं ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। चलो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दिया और मैं एग्जिट डोर पे भी आ गया। अब मुझे यहाँ से निकलना है और यहाँ आसपास यार दोस्तों रेलवे स्टेशन भी है, मुझे रेलवे स्टेशन ढूंढना होगा। रेलवे स्टेशन ही रेलवे ट्रैक है और जैसी ट्रेन आएगी मैं ट्रेन पे चढ़ जाऊंगा और सीधा कंटेनर में छुप जाऊंगा। उसके बाद लॉस सैंटोस की पुलिस को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गायब हो गया। लेकिन उससे पहले मुझे रेलवे ट्रैक ढूंढना पड़ेगा, आखिरकार है कहाँ पर। ए इधर ही कहीं होना चाहिए था। ये हेलीकॉप्टर तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे। अबे जैसे मैंने गाड़ी रोकी ये मेरे सामने आ गए। भागो ये ले। मुझे नहीं पकड़ पाओगे, आओ पकड़ के दिखाओ मुझे। ये पकड़म पकड़ाई खेल रहा उनके साथ दोस्तों। अभी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन मुझे रेलवे ट्रैक दिख नहीं रहा। रे बच गया बच गया। अबे ये क्या गाड़ी को भी पलटना है क्या, जल्दी से निकलना पड़ेगा। रेलवे ट्रैक इस साइड पे ही होता है कहीं ना कहीं यार, मुझे दिख क्यों नहीं रहा। अरे यार बताओ जल्दी दोस्तों किधर है रेलवे ट्रैक यार, मुझे नहीं मिल रहा। शायद से लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे, मुझे जल्दी करना पड़ेगा नहीं तभी पूरी लॉस सैंटोस की आर्मी यहाँ पर आ जाएगी और ये पूरे एरिया को ब्लॉक कर देगी। इससे पहले पूरी आर्मी आए मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। फाइनली लगता है मुझे रेलवे ट्रैक उधर है क्योंकि मैंने ट्रेन का हॉर्न सुन लिया। आसपास यहीं कहीं से आ रहा था शायद से ये ट्रेन का हॉर्न आया मुझे। ये मुझे मिल गया फाइनली रेलवे ट्रैक। अब मैं यहाँ पे, ओ भाई भाई साहब वहाँ पे ट्रेन भी आ रही, मैं कितना लकी हूँ। और मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। इससे पहले पुलिस वाले भी आ चुके। अरे मुझे मार कौन रहा है ऊपर से। अबे हेलीकॉप्टर वाले आ गए, ये लो हेलीकॉप्टर को तो भगा दिया। मुझे इसमें से चढ़ना है। ए दोस्तों वीडियो को लाइक करो और मैं चढ़ सकूँ। ये फाइनली पहले ही ट्राई में मैं ऊपर चढ़ गया और अब मैं रेलवे ट्रैक पे आ गया हूँ। तब मुझे कोई टेंशन नहीं, अब ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब पकड़ के दिखाओ मुझे, अब देखना इनको कैसे मैं मजा चखाता हूँ। अब सीधा मैं ऊपर चढ़ के पहले तो इन हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करूँगा। ये ले, मेरा पीछा करोगे, भाग जाओ यहाँ से। ये क्या, अरे ये क्या, ये चॉपर वाले, अभी बताता तुझे, ये ले। अबे यार ये LPD कितना परेशान करती है मुझे। अबे ये ले, चॉपर को तो मैंने डैमेज कर दिया। ये दोस्तों सबसे पहले ये जो भी पीछे आ रहे हैं मुझे उनको मार के हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये इनको पता रहेगा। तो मैं इनको पहले यहाँ से हटाता हूँ ताकि ये हट जाए मेरा पीछा छोड़ते, फिर उसके बाद मैं कंटेनर में छुप जाऊँगा। और पता नहीं ये ट्रेन कहाँ जा रही है मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन सेफली जगह मैं देख के फिर उतर जाऊंगा। और यार मुझे बात करनी है अपने ट्रेवर से। ट्रेवर यार बहुत ही बड़ा हैकर है वो यार, हैक करके ये LSPD का सिस्टम हैक करके वो मेरा वो हटा सकता है क्रिमिनल रिकॉर्ड और मेरे पर कोई भी क्राइम चार्ज नहीं होगा। ये सही कहा, मैं ट्रेवर को कॉल कर दूंगा अभी, उसके बाद ही मैं बाहर निकलूंगा यार। मैं जब तक के लिए मुझे इस कंटेनरों में छुप के रहना पड़ेगा। फाइनली ब्रिज आ गया और ये पुलिस, अबे चल फुट यहाँ से। अब मैं यहाँ पे सेफ हो चुका क्योंकि फॉरेस्ट एरिया आ गया, अब यहाँ पे रोड नहीं है तो वो सब लोग आ नहीं सकते। और ये चॉपर को भी मैंने फिनिश कर दिया, अब मैं यहाँ पे सेफ हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने घंटे। अबे ये चॉपर हटते क्यों नहीं। चलो इसको भी साफ कर दिया, अब कंटेनर में चलो चलते अंदर और इधर सेफ हो जाते हैं। फिर मैं लेस्टर को भी बोल देता हूँ कि वो यार जल्दी से हैक करके मेरा क्राइम रिकॉर्ड को रिमूव कर सके ताकि मैं आजाद हो सकूं। हे अब तो पुलिस मुझे ठेंगा नहीं पकड़ पाएगी। फाइनली मुझे ड्राइवर को कॉल करना पड़ेगा लेकिन मेरे पास सेल फोन नहीं है। अरे यार सबसे पहले मुझे कहीं सेफ एरिया देख के सुनसान एरिया में उतरना पड़ेगा ताकि वहाँ पे LSPD को बिल्कुल भी शक ना हो और LSPD मेरे पीछे ना आ पाएगी। तो यार दोस्तों जैसे ही फॉरेस्ट एरिया आएगा मैं वहीं उतरूंगा। और फटाक से यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया आ चुका और मुझे यहाँ पे बहुत ही पुरानी फैक्ट्री दिख रही है। आई थिंक ये कोई पुरानी फैक्ट्री है, यहाँ पे वर्कर वगैरह होंगे। तो मैं उनसे उनका सेल फोन लेके तो मैं ट्रेवर को कॉल कर सकूंगा ताकि वो यार मेरा केस रिमूव कर सके LSPD का सिस्टम हैक करके, इससे मैं बच जाऊँगा और ये लॉस सैंटोस की पुलिस मेरा पीछा तो छोड़ेगी। ए नल्ले लोग मुझे अपना फ़ोन दे दो, ए जल्दी दो। रे बाप रे क्या इनके पास तो वेपन रखी है, ये क्या, ये तो पहले से गुंडे लोग थे। फाइनली इनसे मैंने तो सेल फोन ले लिया है। भाई मुझे कौन मार रहा है पीछे से, अबे रुक तुझे बताता हूँ, ये ले।
अब फाइनली दोस्तों मुझे ड्राइवर को कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये कौन यहाँ पे छुपा पड़ा है जिसने मुझे बुलेट मारी? चलो यार फोन तो मुझे मिल गया, चलो पहले मैं कॉल कर लेता हूँ ड्राइवर को। हेलो ड्राइवर। हाँ बोलो क्या भागी? अरे यार मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ बोलो क्या करना है, कहाँ से किसका हैक करना है? अरे यार हैक तो करना है LSPD के सिस्टम में से, तुम्हें मेरा क्राइम रिकॉर्ड मिटाना पड़ेगा। चलो फाइनली मैंने होल्ड पे कॉल रख दिया है। हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। अरे तो बात तो तुमने सुन ली ना? हाँ हाँ वो मैंने सुन लिया है, और उसके बदले तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। अरे यार बोलो क्या काम करना, वही ना हो तुम्हारा कोई भांजा है जो कि किडनैप हो गया, मैंने सुना था। हाँ उसे तुम्हें बचाना पड़ेगा, वो तुम ही कर सकते हो सिर्फ। अरे यार वैसे मुझे लोकेशन शेयर कर दो, वैसे है कहाँ पर? अरे वो वहाँ पे क्या यार, वहाँ पे क्या होता है, वो साइंटिस्ट लोग होते हैं वहाँ पे, गैस वगैरह का काम चलता है, उधर ही यार उस गिरोह ने उसको किडनैप करके रखा है, जाओ यार तुम बचा के लाओ बस। ये फाइनली जो कि मुझे ड्राइवर ने लोकेशन दी थी वो इधर ही की थी, यही कहीं होना चाहिए यार। वैसे मैं लकली कि मेरे नियर में ही थी ये लोकेशन, तो मैं फटाफट से यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इन लोगों ने किसी को तो किडनैप कर रखा है। अरे बाप रे ये क्या, मुझे मारोगे, ये लो मुझे लगा मैं इनसे बातचीत करके डील कर लूंगा, लेकिन ये क्या, इन्होंने तो सीधा मेरे ऊपर गोली लगा दी। अभी इनको मैं बताता हूँ, एक एक को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये ले अबे यार ये क्या मारोगे, तुम्हारे पास पिस्टल और मेरे पास AK-47, मेरे सामने तुम बच्चे हो, अबे कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वो गया कहाँ पर यार? अबे यार ये ड्राइवर का भतीजा गया कहाँ पे, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना पड़ेगा। किधर है तू? ये रहा, ये ड्राइवर का भतीजा है, लेकिन ये क्या, ये तो खुद ही एक गैंगस्टर लग रहा है मुझे। अरे अंकल आप मुझे बचाने के लिए आ गए क्या? आपका नाम होगी है? अरे हाँ मेरा नाम होगी, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे ड्राइवर आपके बारे में बहुत बताते हैं। अरे चलो ठीक है, बातें बहुत हो गई, चलो इस गाड़ी को लेके चलते हैं, आ जाओ। अरे अंकल आ रहा हूँ मैं भी। अरे ये बताओ तुम यहाँ पे फंस कैसे गए? अरे अंकल मैं क्या बताऊँ यार, मैं फेसबुक के जरिए इनसे मिल आया था, लेकिन इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। अरे तो ये मास्क किस लिए लगा रखा है तुमने? अरे मैं तो फन के लिए प्रैंक करने आया था, मुझे लगा कि ये सब प्रैंक करने वाले ग्रह है, लेकिन ये तो असली गुंडे निकल गए। अरे यार ये क्या, आजकल के टीनेजर भी ना कुछ भी करते रहते हैं। चलो ठीक है, फाइनली हमें ड्राइवर के घर पे इसको डिलीवर करना है। अरे अंकल थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, आप मेरी गाड़ी ले जाओ। अरे कौन सी गाड़ी ले जाऊं यार? ड्राइवर मेरा काम तुमने कर दिया ना? अरे हाँ मैंने तेरा काम तो कर दिया होगी भाई, लेकिन तुझे खुद नहीं पता चला क्या LSPD तेरे पीछे नहीं आई? अरे वो तो ठीक है, मेरा एक और काम था, मेरा अकाउंट अनफ्रीज करना था। अरे यार वो तो बहुत ही ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड है, मैंने ट्राई करने की कोशिश करी थी, मुझे जैक ने बोला था, लेकिन मैं उसे नहीं कर पाया क्योंकि उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और साथ में FBI की नज़र है, अगर मैं उसको अनब्रीक करता हूँ तो मैं भी फंस सकता हूँ, इसलिए मैंने नहीं करा। अरे यार चलो ठीक है यार, वैसे तुमने केस तो हटा दिया ना? चलो यार ये क्या भैया कॉल करें, ओए मुन्ना कहाँ रह गया तू? मैंने न्यूज़ में देखा तूने, अबे जेल तोड़ दे। भैया मैंने तोड़ी नहीं, जेल को फोड़ भी दिया और मैं बाहर हूँ, और भैया टेंशन मत लो मेरे ऊपर से क्राइम चार्ज भी हट गया। ओए क्या बात कर रहा है, वैसे हमने मेंशन का काम स्टार्ट कर दिया है, जल्दी आ मुन्ना। भैया आ रहा हूँ जल्दी से काम करवा यार, बहुत काम है मुझे। ओए मुन्ना कैश लेकर आई हो, नहीं तो बिल्डर हमें नहीं छोड़ेंगे अगर पैसे नहीं देते उन्हें। भैया ठीक है, और यार ये बता यार ड्राइवर पीछे गाड़ी किसकी है? अरे ये तो मेरे भांजे की यार, ये जो उसी की गाड़ी है। अरे यार चलो, उसने मुझे गाड़ी देने के लिए बोला था। अरे तो फिर ले जाना यार। चलो यार ये गाड़ी उसकी मुझे मिल गई, उस बच्चे ने मुझे खुशी के माले दे दी क्योंकि मैंने उसे बचाया, तो यार हम इसे यूज़ करने वाले और हम सीधा जाएंगे अपने बैंक पे, और उस बैंक से देखते हैं हमें बैंक से कैश डायरेक्ट निकाल लेना चाहिए यार, क्योंकि यार मेरे पर कोई केस नहीं, तो आखिरकार बैंक ने फिर मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों कर रखा है, मुझे पूछना ही पड़ेगा, और यहाँ से मैं कैश निकाल लेता हूँ। हो सकता है बैंक अब तक अनफ्रीज हो गया होगा। चलो यार मैं अपने अकाउंट में से सारे पैसे निकाल लूँगा, एक भी रुपए नहीं छोड़ूंगा। फाइनली यार मैं आ गया, और यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, थोड़ी देर के अंदर बैंक भी बंद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैसे सारे निकाल लूँगा,
और ये क्या LSPD इधर भी है, लेकिन इनको पता नहीं क्योंकि मेरा क्राइम हट गया, मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे बाप रे इतनी लंबी लाइन, चलो इधर चलता हूँ, इधर लाइन कम है। अरे ये क्या कर रहे, ये पीछे हट रहे, अरे क्या कर रहे हो? पुलिस सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे यार मेरा अकाउंट है इस बैंक में, ओगी नाम से। सर रुकिए, मैं आपका अकाउंट चेक कर लेता हूँ। हाँ आपका नाम तो है ओगी नाम से, और लेकिन आपका अकाउंट तो फ्रीज दिखा रहा है सर। अरे बाप रे ये कैसे हो सकता है, मुझे पैसे चाहिए जितने भी है, मेरे को सारा चाहिए 100 करोड़। सर लेकिन आपका अकाउंट फ्रीज दिखा रहा है, तो हम आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। अरे लेकिन फ्रीज क्यों, ये तो बता गधेड़े, मेरे पर तो कोई भी केस फाइल नहीं है। अरे सर हाँ आपका क्राइम रिकॉर्ड तो 0 है, लेकिन फिर भी FBI की तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये बोला गया कि आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं किया जाए। अरे ये क्या FBI की भैंस की टाट, इधर भी आ गए, मेरा अकाउंट को फ्रीज कर दिया। अब मैं क्या करूँ, अब मैं बैंक में आया तो कैश लेकर ही जाऊँगा। अच्छा वो अपनी मैं गन भी लेकर आ गया साथ में, अब इनकी बैंड मुझे बजानी पड़ेगी। और सबसे पहले इसका बैंड बजाता हूँ, ये देखो गधेड़े को क्या कर रहा है, मैं इसके पीछे गन लगा रहा हूँ लेकिन उसे पता ही नहीं है, फोन में बिजी है। अभी चल फुट यहाँ से। अरे ये कहाँ उड़ गया, अबे ये क्या गन ने इसको हवा में उड़ा दिया, वाह शॉट गन में इतना दम है। फाइनली ये सारे तो पेले गए, अब ये तू बता तू भी पेला जाएगा। अरे बाप रे क्या बुलेट प्रूफ है। अरे सर बताइए सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते हो सर क्योंकि ये बुलेट प्रूफ है। अरे यार मुझे चिढ़ाता है अंदर से। अभी रुक इसको मैं बताता हूँ, अभी से मैं छोड़ूंगा नहीं, रुक जा भी। ये ले तेरे इसको तोड़ दूंगा, अब मैं अपनी दूसरी मशीन गन निकाल के तोड़ दूंगा। ये गेट है, ये लॉक टूटा, अभी तूने क्या बोला था, अभी ले पट्टे से हेडशॉट, मेरे को चिढ़ाएगा। ये सारा सिस्टम तोड़ दूंगा, कैसा बैंक है ये गधेड़ा कहीं का, पूरा सिस्टम तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। फाइनली लॉकर नीचे होता है, चलो इस लॉक को भी मैंने तोड़ दिया और नीचे भी गार्ड हो सकते हैं। अरे ये क्या बाप रे, बुलेट प्रूफ है जैकेट, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। फाइनली मैंने इनके सिस्टम को ठिकाने लगा दिया है और मैं लॉकर के पास तो आ चुका हूँ। इसी के अंदर मेरे सारे 100 करोड़ रखे हैं। इसको कैसे तोड़ूं, मुझे तो पता नहीं कैसे खोलना है। अच्छा मैं स्टिकी बॉम्ब भी अपने साथ लेकर आ गया, अब मुझे इस पे बस स्टिकी बॉम्ब भी लगाना है और इसको डिस्ट्रॉय करना है। फाइनली मैंने स्टिकी बॉम्ब एक इस साइड लगा दिया और मुझे एक इधर लगाना चाहिए और एक इस साइड में लगा देता हूँ ताकि टूट जाएगा। मुझे लगता है इतने में काम तो बन जाएगा। चलो दोस्तों अब मैं कहीं कोने में छुप जाता हूँ, वो दरवाज़ा फूटने वाला है। 1 2 ये फाले 3 पे टूट गया, ये दरवाज़ा उड़ गया। स्टिकी बॉम्ब ने अपना कमाल दिखा दिया और दरवाजे को तोड़ के अलग कर दिया। ये दरवाज़ा कैसे हिल रहा है। फाइनली मैं लॉकर के अंदर एंट्री करने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब तक तो बाहर LSPD पूरी की पूरी बाहर आ गई होगी। क्या अंदर भी एक गार्ड था, मुझे पक्का पता है बाहर अब मुझे पुलिस वालों ने घेर लिया होगा। और ये रहा मेरा 100 करोड़ यार, अब मुझे फटाफट से ये जितने भी करोड़ है सबको उठाना है। फाइनली दोस्तों मैंने सबको अपने बैग में पैक कर लिया, अब मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन अब मुझे भैया को एक बार कॉल कर लेना चाहिए। ओए मुन्ना क्या हो गया, पैसे लेके जल्दी आ। ए भैया मेरे लिए यार बैंक के बाहर एक आर्मर्ड कार भेज देना। ओए मुन्ना ठीक है चल भेज देता हूँ, ओए पप्पू सुपारी से लेना पड़ेगा। ए भैया जल्दी करो 10 मिनट के अंदर भेज देना। ओए ठीक है। फाइनली दोस्तों मैंने आर्मर्ड कार तो बाहर मंगा ली है, लेकिन ये क्या, तो पुलिस तो अंदर ही आ गए, अब मुझे इनको भी फिनिश करके निकलना पड़ेगा जल्दी से, इससे पहले यहाँ पे पूरे कमांडो भी आ जाए। धीरे धीरे करके कमांडो भी आ चुके हैं यार। ये ले ये टकले तू मुझे मारेगा, तुझे पता है मैं कितना बड़ा बदमाश गुंडा हूँ, ये छोड़ूंगा नहीं किसी को। यार यहाँ पे तो पूरी LSPD आ गई, अब क्या करूँ मैं। मुझे भी कैसे भी करके अपनी आर्मेड वैन के पास पहुँचना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और इनको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों वैसे मैंने ट्रेवर को भी कॉल करके बोल दिया कि इस वाले केस को भी वो मेरे हटा देगा, लेकिन उसने कहा उसे 10 मिनट लग जाएगा, तो मुझे 10 मिनट तक यार यहाँ पे पुलिस को झेलना पड़ेगा। अगर इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया तो फिर कोई चांस नहीं होगा कि मैं उससे हैक करवा के सिस्टम से रिमूव करवा सकूँ अपना नाम, लेकिन मुझे अब तक सर्वाइव करना पड़ेगा, फिर ट्रेवर अपना काम कर देगा और मैं सेफ हो जाऊँगा। ये लगता है भैया ने ये गाड़ी भेजी क्या, वाह बहुत ही बढ़िया यार भाई।
चलो इसके अंदर ना फटाफट से मैं बैठ जाता हूँ। और ये क्या चौपर भी आ गया, ये ले। अरे यार बात बात पे चौपर आ जाते यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है। चलो निकलता हूँ अभी। 10 मिनट तो हो ही चुके होंगे। फाइनली गेट रिमूव क्यों नहीं हो रहा? अबे रिमूव हो जाना चाहिए था। अरे बाप रे, वो देखो लेट के मुझे गोली मार रहा है, लेकिन उसकी गोली का कोई असर नहीं होने वाला। फाइनली केस मुझे लगता है अब रिमूव हो चुका है। ये अब मैं हो चुका हूँ आजाद, और मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं, और मेरे पास मेरे 100 करोड़ भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों अब आ चुका है मजा। अब मैं चल रहा हूँ, बिल्डर को पेमेंट भी करनी है। यार भैया ने पता नहीं क्या ऐसा बनवाया कि मैं क्या ही बोलूं। भैया ने पूरे के पूरे यार 99 करोड़ खर्च कर दिए मेंशन में। ये भैया ने और सिंचन ने क्या मिलके ऐसा मेंशन में बनाया जो कि इतने करोड़ लगा डाले। नहीं छोड़ूंगा इन दोनों को, पूरे के पूरे पैसे खर्च कर दिए। ये भैया को भी कॉल लगाता हूँ। ओए मुन्ना जल्दी आ जा। ओए क्या मजा आ रहा है यार, ओए लाइफ जी रहा हूँ मैं तो। अरे यार रुकी भैया सही कहा, जल्दी यार कहाँ रह गए आप? ये देख हमने इतना बढ़िया घर बनवाए। अरे यार आ रहा हूँ, मुझे अपने मैप पे लोकेशन दे दो। फाइनली यार मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पे भैया ने मुझे लोकेशन दे दी। ये लगता है भैया ने कहीं और की लोकेशन दे दी क्या? ये तो किसी VIP का घर है, और इतनी महंगी कार यहाँ पे लगी पड़ी है। और ये क्या, ये तो लॉस सैंटोस की वाइन वुड की हीरोइन है। भाई साहब ये यहाँ पे क्या कर रही है? ओके सर, आप आ गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। अरे यार बाप रे बाप, ये तुम तो वाइन वुड की हीरोइन हो। हाँ मैं वाइन वुड की हीरोइन हूँ, और मैं आपकी खास असिस्टेंट हूँ। अरे ये क्या, खास असिस्टेंट, क्या बात कर रहे हो? ए फिर तो एक मजा ही आ गया यार, इतनी ब्यूटीफुल असिस्टेंट। ओके सर, खास जैक ने हमें भेजा है आपको लेने के लिए, आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मेरे बैग को भी रख लेना डिग्गी में, जिसमें कुछ बहुत सारा सामान है। हाँ ठीक है सर, मैं वो भी रख लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस अपनी कॉफी का मजा लीजिए। अरे यार क्या बात है, गाड़ी के अंदर कॉफी भी है, वो भी गर्मा गर्म। हाँ सर, मैंने आपका जो भी वो बैग था उसे गाड़ी के डिग्गी में डाल दिया है, अब हम चलेंगे आगे। अरे बाप रे किधर चलेंगे? अरे सर अब हम अपने चलेंगे मेंशन पे। अरे किधर है मेंशन? गुड नाइट सर। अरे बाप रे क्या बात है, इतने मुस्टंडे बॉडीगार्ड भी हैं क्या? हाँ सर, ये सारे के सारे आप ही के हैं, और हमें जल्दी से जाना है क्योंकि आपके कुछ वर्कर ने हमारे यहाँ पे दिमाग खराब कर रखा है। अरे हाँ समझ गया वो कौन है। उनकी पेमेंट नहीं करी ना, खाली उनको एडवांस ही मिला है, और उन्होंने ये पूरा मेंशन तैयार करा है। और यार सेम है, क्या बढ़िया बना यार उन्होंने। वैसे बीच साइड मैंने बोला था, और यहाँ पे बीच भी है क्या? सर ये देखिए आपका मेंशन ये वाला है। अरे ये क्या बात है, फायर डिपार्टमेंट यहाँ क्या कर रही है? अरे सर ये हमेशा यही रहती है ताकि कभी भी मेंशन में आग लगे तो ये बुझा सके। अरे यार क्या बात है, प्राइवेट फायर डिपार्टमेंट मेरे लिए है, बहुत ही मजा आ गया यार। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, हेलो सर। अरे कितना हेलो करते हो, यहाँ पे होगी सर आ चुके हैं। अरे यार ठीक है, मेरे कैश को जल्दी से लेके आओ। सर आप चलिए, हम अभी आपका कैश लेकर आ रहे हैं जल्दी से। अरे संभल के लाना, ये नोट नहीं गायब करने का। अरे सर ये आपके बहुत ही वफादार कार्ड है, ऐसा ये कभी नहीं करेंगे। अरे ठीक है फिर तो, मैं फाइनली ये क्या। सर अब मैं आपको मिलवाती हूँ जूली से, जो कि आपकी मनी असिस्टेंट है। अरे बाप रे मनी असिस्टेंट मतलब? अरे ये आपके पैसे की हेर फेर मतलब की पैसे की देखभाल करेंगे, उन्हें शेयर मार्केट में लगाएंगे। अरे ठीक है, लेकिन ये बिल्डर लोगो, ये जैसे कि मैंने वादा किया था तुम्हें, मैं बोनस में और भी ज्यादा पैसे दूंगा, सीधा 100 करोड़ रुपए। ओके सर, वैसे आप गायब कहाँ हो गए थे, हमें आपकी बहुत जरूरत थी। जैक और सिंचन ने बहुत ज्यादा बदलाव किया और बहुत ज्यादा पैसे खर्च करवा दिए। अरे वो तो ठीक है, असिस्टेंट इधर आओ। हाँ सर, मैं अब आपको घर दिखाने वाली हूँ। अरे चलो ठीक है, वैसे यार क्या ही बुराई है, वाइनवुड की हीरोइन मुझे घर दिखाएगी, वो भी मेरा ही। वाह मजा आ रहा है यार, ऐसी लग्जरी लाइफ चाहिए थी मुझे। इन हीरोइन को तो मैं टीवी में देखता था, आज वो मेरी असिस्टेंट बन चुकी, ये मजा आ गया। सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहा। सर ये देखिए आपका यहाँ पे बिजनेस रूम है जो कि माइकल हैंडल करते हैं, और यहाँ पे आपके ये बिजनेस टीम है। अरे यार क्या बात है, ये आपके सारे शेयर मार्केट में आपके पैसे को लगाते हैं और आपके पैसे को और बढ़ाएंगे,
अरे यार माइकल तो पहले से इतना अमीर है, लेकिन वो भी मेरे अंदर काम करने लगा। ये अरे बाप रे, मजे ही आ गया अभी तो। सर अभी तक आइए, आपका ये पर्सनल रेस्टोरेंट है। अरे यार पर्सनल रेस्टोरेंट है? ए, हमारे घर में तो छोटा सा किचन था, इधर तो मेरे रेस्टोरेंट। और सर ये देखे पुराने जमाने की खास थाली आपके लिए, जो की करोड़ों की है। अरे बाप रे, करोड़ की थाली। और सर जो भी आपका मन हो आप बस यहाँ पे कॉल करके बोलिए, और ये आपके लॉस सेंटर के सबसे बेहतरीन शेफ आपको बना के दे देंगे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या? और सर इधर आइए, ये आपका फ्रिज है। अरे बाप रे, इतना सारा फ्रिज तो, इतना सारा सामान। और ये क्या, यहाँ पे शीशे क्यों लगे हर जगह? अरे सर वो तो जैक सर ने बोला था कि। अरे बाप रे, क्या शीशा टूट गया? मैं तो गया नीचे। अरे सर नीचे गिर गए आप, कहाँ गए? मेरा बम टूट गया। ये क्या, भैया को मैंने इतने पैसे दिए थे और उन्होंने सारा पैसा बर्बाद कर दिया यार। ये शीशे का क्यों बनाया उन्होंने मेंशन पूरा? अरे सर अभी तो आप अंदर गए थे, फिर कैसे बाहर आ गए? अरे यार चुप रह टकले। ए अभी मेरे को असिस्टेंट के साथ नहीं जाना, मैं अपना घर खुद ही एक्सप्लोर करूंगा। ए फाइनली यार भैया ने सारे पैसे। अरे बाप रे, क्या इतने महंगे महंगे ब्रांड की टी शर्ट खरीदना जरूरी थी? इतने महंगे महंगे कपड़े खरीद ले, और ये क्या कर रहे हैं? ये पैसे को धुल क्यों रहे? ये वॉशिंग मशीन में पैसे घूम रहे? अरे बाप रे, इतने सारे डॉलर। ये भैया और सिंचन ने लगता है फुल अय्याशी कर रखी है पैसे के साथ में। ये क्या, ये संडास को यार शीशे में क्यों बनाया? ए यार ये संडास में कोई बैठेगा तो बाहर से दिखेगा नहीं क्या? इसको शीशा लगाने अभी जरूरी था। ए भैया ने पूरे पैसे मेरे बर्बाद कर दिए और पूरा घर ग्लास का बना दिया यार। ये कम से कम संडास को तो सही करते, और ये वॉशिंग मशीन में देख रहे हो पैसे घूम रहे हैं। आखिरकार ये तीनों गए कहाँ? इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तीनों के तीनों कहाँ गए? इतनी मेहनत से मैं पैसे निकाल के लाया बैंक से, और ये तीनों मजे कर रहे हैं यहाँ पे। वाओ, ये मुझे काफी अच्छा लगा। बाप रे, इतना बड़ा बेडरूम, बेडरूम के अंदर इतनी बड़ी टीवी लगी, साथ में यहाँ पे मेरे पास गेमिंग कंसोल वगैरह भी है, और यहाँ पे मेरा जिम भी है। वाओ, और यहाँ पे मैं टी लेते वक्त, कॉफी पीते वक्त यहाँ पे क्या नज़ारे ले सकता समुंदर के, ये तो काफी बढ़िया लगा यार मुझे। लेकिन एक कमी, बस हर जगह ग्लास इन्होंने यूज कर दिया ना, बस यार उसी वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली हो चुका है। वैसे ये तीनों के तीनों गए तो गए कहाँ पर, मुझे दिख नहीं रहा है। ओए मैडम जी, तुम्हें पता है? अरे बाप रे, ये क्या, भैया मैं आ गया। ओए मुन्ना, मैडम जी से मेल। अरे बाप रे, ये क्या, मैडम जी से मेल? ए मैं इतने बहुत ही ज्यादा मुसीबत से भैया निकल के और 100 करोड़ अपने लेकर आए वापस। ओए मुन्ना, मुझे पता था तू कर सकता है, तो टेंशन किस बात की, आओ ढक्कन के सही का। अरे यार रुकी भैया, ये देखो ये गेम कितनी मजेदार है। अरे यार सेंशन मजेदार तो हो गया यार ये भी। अब आगे देखते। अरे बाप रे, ये खेलने आता भी बस ऐसे खड़े होकर देख रहे। अरे ये तो माइकल का लड़का जिमी आई थिंक। जिमी भी यहाँ पे, चलो यार चलो फटाफट से। अभी मैं बाहर की साइड देखता हूँ, बाहर आखिरकार क्या है ये यहाँ पर। अरे बाप रे, गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग नहीं हो रही, गुड नाइट हो रहा है। ये चलो ठीक है। बाप रे, ये क्या, खुद का पर्सनल ये नाव वगैरह खरीदना जरूरी था क्या? बोट वगैरह में पैसे बर्बाद कर दिए भैया ने। ये भैया और सिंचन ने फालतू में ज्यादा ही पैसे लगा दिए, और ये क्या, ऊपर हेलीकॉप्टर भी लगा दिया। वैसे इन दोनों को कौन सी मीटिंग में जाना है जो कि हेलीकॉप्टर भी भाई घर रखा है। चलो कोई बात नहीं यार, पैसे तो सारे खर्च कर दिए इस मेंशन में। और आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्त यार, बहुत मेहनत लगती है। तो एक तो लाइक बनता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।